नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हिंदी टाइपिंग सिखाता हूं और इंग्लिश टाइपिंग सिखाता हूं। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं या फिर टाइपिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे लोग जो लोग टाइपिंग सीख रहे हैं कहीं और उनकी स्पीड ना बढ़ रही हो, एक्यूरेसी ना आ रही हो, तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए देखिए महेश जी, आपने मुझे कमेंट किया है कि आप जब टाइप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत महसूस हो रही है। देखिए, आपसे मैं क्लियरली ये कह देना चाहता हूँ, आपके नज़दीक में अगर कोई टाइपिंग सेंटर है तो आप वहाँ जाके टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डे 15 तक आप पहुँच गए हैं, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपकी उंगलियाँ नहीं चल रही, जाम सी उंगलियाँ हो रही हैं, दिक्कत महसूस हो रही है आपको टाइपिंग करने में, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो ऑफलाइन कोचिंग करें। कहीं अपने आपके नज़दीकी कोई टाइपिंग सेंटर है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लड़कों को दिक्कत भी आती है इसमें, तो वहाँ पे क्या है, सर मैं यहाँ से आपकी उंगलियों को देख नहीं सकता, वहाँ पे जो आप जाएंगे तो वहाँ पे सर आपकी उंगलियों को देख सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से उंगलियों को रख रहे होंगे, गलत तरीके से अभ्यास कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें देख के वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक या दो उंगली से तीन उंगली से ऐसे मैं टाइप कर लूँगा और देख के टाइप कर लूँगा, तो आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्लर्की के लिए जो भी टाइपिंग के टेस्ट होते हैं, लगभग लगभग हर जगह इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है और 95% की एक्यूरेसी मांगी जाती है, और हिंदी में 30 की स्पीड मांगी जाती है और 95% की एक्यूरेसी मांगी जाती है। देखिए, आप एक दो उंगलियों से, दो तीन उंगलियों से टाइप करके और कीबोर्ड देख कर अगर टाइप करोगे तो उस स्पीड को वहाँ प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो मैटर होगा वो इजी मैटर नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड सा वहाँ पर मैटर होगा, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग मैटर होगा वहाँ पर। वहाँ पर आप कीबोर्ड देख के इस प्रकार से टाइप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें बनी ही इस प्रकार से हैं कि आप उस चीज़ को, स्पीड का जो दायरा है, स्पीड का दायरा बनाया है उनने इस प्रकार से है, 35 की स्पीड, 30 की स्पीड, इस हिसाब से उनने दे रखी है कि कोई भी आदमी कीबोर्ड देख कर अपनी मन मर्जी से ऐसे एक उंगली से दो उंगली से उस स्पीड को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। जो तरीका है टाइपिंग का, उस तरीके से आप करोगे अभ्यास तभी उस स्पीड तक पहुँच पाओगे। शुरुआत में क्या होता है, थोड़ा सा हमें अच्छा सा लगता है, कीबोर्ड देख के हम टाइप करते हैं, दो तीन उंगलियों से हम किसी वर्ड को टाइप कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी से वो चीज़ें टाइप हो जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कंटिन्यू आप 10 मिनट तक का जब एक पैराग्राफ टाइप करोगे तो उस स्पीड तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए उस स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको टाइपिंग एक तरीके से सीखनी होगी। तो टाइपिंग सीखने के लिए ये सबसे बढ़िया मैंने कोर्स बना रखा है आपको, कई चीज़ें, कई लोगों ने इस कोर्स से टाइपिंग सीख रखी है, जो मैंने कोर्स बना रखा है प्लेलिस्ट से आप जिसे सीख रहे हो। आप अभी डे 15 में पहुँचे हो, डे 26 में जब आप पहुँचोगे तो उसके बाद ABCD आपको शुरू करनी है, उसके बाद से चीज़ें से थोड़ा सा आगे को ये कोर्स बढ़ेगा। अभी ये फिलहाल आपको वर्ड का अभ्यास करना है, जैसे जैसे मैंने बता रखा है वैसे वैसे आपने अभ्यास करना है। देखिए, आपकी स्पीड कम से कम, जो मैं वर्ड आपको टाइप करवा रहा हूँ, जो वीडियो मैंने वर्ड टाइप करने के लिए बोल रखे हैं, उसमें कम से कम आपके वर्ड में आपकी स्पीड आनी चाहिए। अगर वर्ड में भी आपको टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो ये दिक्कत की बात है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप वर्ड अगर अच्छे से, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे TIME टाइम टाइप करने के लिए कहा मैंने, 3 लाइन या 2 लाइन आपने TIME टाइम टाइप किया, अगर वो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन उसको आपने टाइप किया TIME टाइम, ठीक है, उसके बाद भी आप उसको, आपको वो वर्ड टाइप करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो कोर्स है शुरुआत से वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, शुरुआत से आपने अभ्यास सही से नहीं किया, या फिर और कोई दिक्कत हो रही होगी। फिलहाल अगर वर्ड आप टाइप सही से कर ले रहे हो ना, डे 15 तक तो पहुँचे हो आप, डे 15 तक का जो चीज़ें हैं, जैसे जो वर्ड में हर वर्ड को जैसे 3 लाइन 5 लाइन वो मैंने टाइप करने के लिए कहा है, वो लाइन आप उतने बढ़िया से टाइप कर ले रहे हो, बिना कीबोर्ड को देख के आप वो टाइप कर ले रहे हो, तो समझ लीजिए कि टेंशन की बात नहीं है, आपकी ये स्पीड आ जाएगी। शुरुआत में दिक्कत महसूस होती है इसमें, टाइपिंग में बहुत धैर्य चाहिए, आप ये सोचोगे कि स्पीड नहीं आ रही है, एकदम से आ जाए स्पीड, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, बार बार उंगलियां आपको कीबोर्ड में चलानी पड़ेंगी, और आपके पास टाइम है तो ज़्यादा टाइम देकर थोड़ा सा आप और इसको जल्दी से सीख सकते हैं। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोर्स को तरीके से करते रहिए, जैसा उसमें बता रखा है वैसे आप अभ्यास करते जाइए। देखिए, मैंने 1 घंटा 2 घंटा अपने हिसाब से मैंने कह रखा है, लेकिन अगर आप खाली हो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इससे ज़्यादा भी आप अभ्यास कर सकते हो, और किसी भी डे को छोड़ना मत, डे 1 से जैसे कंटिन्यू मैंने बता रखा है, डे 1 से उसी प्रकार से अब अभ्यास करना जैसा मैंने बता रखा है उसमें,
और कीबोर्ड तभी देखना है जब आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कीबोर्ड में कोई गलत गलत जगह उंगलियां जा रही हैं, तो उस कंडीशन में कीबोर्ड देख लिया, उसके बाद फिर से बिना कीबोर्ड देखे आपने अभ्यास शुरू कर देना, फिर से आपकी उंगलियां गलत की में जाएंगी, तो फिर से कीबोर्ड एक बार देख लिया और फिर से बिना कीबोर्ड देखे आपने अभ्यास करना है। देखिए ये चीज़ें चलते रहेंगी, शुरुआत में थोड़ा सा असहज महसूस होता है, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है इसमें यही, और थोड़ा सा बोरिंग महसूस होती है, यही टाइपिंग में जो है परेशानी वाली जो चीज़ें हैं शुरुआत में, यही चीज़ें परेशान करती हैं। इन चीज़ों का सामना करके जब आगे बढ़ोगे तो तब आप एक अच्छी स्पीड प्राप्त करोगे, तब आप अच्छा भी महसूस करोगे। ये शुरुआती समय में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये आप ही के साथ नहीं है, ये लगभग लगभग सब लोगों के साथ ये दिक्कत महसूस होती है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसा बता रखा है कोर्स में वैसा आप करते जाइए, ठीक है। डे 26 तक का आप पहुँचोगे ना, डे 26 डे 30 तक का कम से कम कीजिए वैसे जैसा उसमें बता रखा है, उसके बाद भी आपको दिक्कत महसूस होगी तो आप मुझे कमेंट डाल देना, काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से बता रखा है मैंने कोर्स में, आपको कोई दिक्कत उसे आएगी नहीं, अगर फिर भी आती है तो आप मुझे डे 30 तक का कीजिए आप जैसा बता रखा है, तो उस समय आप मुझे कमेंट डाल देना अगर कुछ होगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किताबों की जो दुकान होती है आपके आसपास, घर के आसपास कोई किताबों की दुकान होगी तो आप वहाँ जाना, वहाँ से टाइपिंग की किताब ले आना, एक टाइपिंग की किताब आती है, अगर आप चाहते हो तो आप टाइपिंग की किताब भी ला सकते हो, उसमें भी अगर देखोगे ना तो उसमें भी कुछ कुछ इसी तरीके की चीज़ें दी होंगी, स्टेप 1 स्टेप, ये चीज़ें चलती ही ऐसे हैं, जो टाइपिंग के कोर्स होते हैं वो चलते ही ऐसे हैं, डे 1 डे 2 डे 3 करके इसी प्रकार से ये अभ्यास चलते हैं। वो 40-50 रुपये की एक किताब मिलती है टाइपिंग की, वो किताब अगर देखोगे तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, बाकी वीडियो में तो उसे मैंने क्लियरली बताया रखा है, अगर वीडियो भी आप देखोगे तो वीडियो में भी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको, फिर भी दिक्कत महसूस होती है, तो आप चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, और आप चाहो तो ऐसे ही वीडियो को देख के टाइप करते रहो, आपको डे 30 तक का ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अगर फिर भी क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट डाल देना। आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।